देवी और सज्जनों, आप सबके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूँगा। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया, उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका। मेरे कार्यकाल के दौरान दो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनेक यादगार समारोह पूरे देश में आयोजित किए गए। मैं स्वच्छ भारत अभियान की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूँगा। यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता का यह राष्ट्रीय अभियान सरकार और देशवासियों की ओर से महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहा है। लगभग 100 साल बाद एक वैश्विक महामारी ने मानवता को झकझोर कर रख दिया। कोविड-19 की त्रासदी के दुष्परिणामों से पूरी दुनिया अब तक जूझ रही है। कोविड का सामना करने में भारत के प्रयासों की विश्वव्यापी सराहना हुई है। मैंने ऐसा गांव पहले कभी नहीं देखा जहां इतनी सफाई है, जहां जगह जगह डस्टबिन और हार्वेस्टिंग वाटर फिल्टर मशीन लगाए हुए हैं। यहां अभी तक एक भी कोविड केस नहीं आया है और ये पूरा गांव चलता है एक बच्चे की सूझबूझ की वजह से। जी हाँ, एक बच्चा नरेन की सूझबूझ की वजह से। सबके प्रयास से हमने केवल 18 महीने में ही 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। दिन एक दिन बदलेंगे, तू हिम्मत रख। कोरोना काल में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी पहुंचाया। बदल सकता है तू मंजर, खतरा नहीं तू समंदर। पा लेता है सब कुछ एक दिन जिद पे जोड़ा। सभी के द्वारा समान उत्साह के साथ भागीदारी और देश के गौरवशाली इतिहास से उनके जुड़ाव को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना को निरंतर मजबूत होते देखकर मुझे विशेष संतोष का अनुभव होता है। यह सशक्तिकरण हमारी बेटियों को और आगे बढ़ा रहा है। मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में महिला सशक्तिकरण से हमारा समाज और अधिक मजबूत होगा। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी टू दिस विलेज। इस गांव में आके मैंने अपने सपनों का भारत देख लिया। Thank you for that. मैं इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों से जुड़े अत्यंत प्रभावशाली आयोजनों के लिए देश की जनता व सरकार को बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामना है कि आप सब समाज व राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाने के अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।